अम्बाला की सुरक्षा व्यवस्था इन दिनों राम भरोसे है। शहर में चल रहे बिना नंबर के ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा की वजह से अम्बाला की जनता भी काफी परेशान नजर आ रही है। दरअसल इन दिनों शहर में काफी तादाद में ई रिक्शा चल रही हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं जिनके पास वाहन का किसी भी प्रकार का कोई भी कागज तक नहीं है। ऐसे में अगर इन वाहनों की मदद से किसी वारदात को अंजाम दिया जाता है तो आसानी से उस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं की जा सकती। वहीं दूसरी ओर रैश ड्राइविंग के मामले भी काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं, जिसमें कई लोग चोटिल भी हुए हैं। पर अब अम्बाला प्रशासन ने इन ई रिक्शा पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। इस विषय में जानकारी देते हुए अम्बाला ट्रैफिक DSP जोगेंद्र शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा ऑटो रिक्शा यूनियन के साथ मीटिंग भी ली गई थी, जिसमें उन्हें 30 तारीख तक का समय दिया गया था कि वे अपने कागजात पूरे कर लें, नहीं तो उसके बाद पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। वहीं नाबालिग बच्चे ई रिक्शा चलाकर घूम रहे हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। देखिए, अभी हम लोगों ने पीछे एक मीटिंग बुलाई थी, जो ऑटो यूनियन है उनके प्रधान को बुलाया था, सिटी से अलग और कैंट से अलग। तो उनको हम लोगों ने बता भी दिया कि जिस भी ई रिक्शा ऑटो पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लगवाए। उनको कुछ समय दिया था और वो समय पूरा होगा, उन्होंने कुछ एक थोड़ा सा और समय मांगा था उनसे। हमने उनको वो भी हाँ कर दिया कि हम मैक्सिमम और 30 तारीख तक का और समय दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी हम लोग उनका टाइम कल 30 तारीख को कंप्लीट भी हो जाएगा और उसके बाद से हम लोग इन लोगों पर कार्रवाई करना शुरू करेंगे। हम लोगों ने कुछ एक सजेशन इन लोगों को दिए थे कि हर एक ऑटो पे एटलीस्ट नंबर लग जाए इनके, और पीछे मोबाइल नंबर और ओनर का नाम वो हो जाए, और हर एक ऑटो पर जो है एक सीरियल नंबर जो है वो लगा के रखे, जिसकी एक सूची बनाकर एक कॉपी पुलिस को भी प्रोवाइड कराए। अगर कल को कोई घटना होती है तो जो जिस विक्टिम के साथ घटना घटती है या मौके पर कोई गवाह होता है, आई विटनेस होता है, वो उस नंबर को पहचान सके। एक सीरियल नंबर पहचानना थोड़ा आसान होता है और जो कि तुरंत प्रभाव से पुलिस को सूचित भी करेगा, और पुलिस के बाद जो उसमें जो लिस्ट देंगे और जिसमें उनके ओनर मोबाइल नंबर वगैरह सारी डिटेल्स होंगी वो आसान रहेगा। तो आई होप कि भी 30 तारीख तक ये लोग काफ़ी तक कर भी लेंगे, नहीं करेंगे तो हम एज पर जो जो भी कार्रवाई बनेगी वो हम कार्रवाई में लाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी RTO ऑफिस में हम लोगों ने बात भी करी है कि जो रिक्शा चालक हैं उनके जो लाइसेंस है उसका क्या प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इसमें लाइसेंस बन आवश्यक है और सबके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं आया, अगर कोई भी ऐसा मिलता तो उसके खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करेंगे। जब इस बारे में ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रधान से बात की गई तो उनका कहना था कि ये काम इतनी आसानी से होना मुमकिन नहीं है, पिछले कई सालों से ये रिक्शा चल रहे हैं और अचानक 10 दिन में नंबर कहां से लेकर आए, तो वे मांग कर रहे हैं कि उन्हें कुछ दिन का समय और दिया जाए। ऐसा है, DSP साहब के आदेश हमारे पास आए थे, उस दिन मैं यहाँ मौजूद नहीं था। ऐसे जो ट्रैफिक के आदेश जब आए तो मैंने अपने 2 इंचार्ज भेजे थे, उनकी मीटिंग में गए थे। जो आदेश उन्होंने भेजे थे मैंने VIP कहलवाया था कि जो आदेश हैं इम्प्लीमेंट होने चाहिए, क्योंकि हर ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा या अदर गाड़ी कोई भी हो आगे पीछे नंबर होना चाहिए, परंतु इस काम के लिए हमें समय चाहिए। इतनी जल्दी ये काम होगा नहीं, क्योंकि बीमारी पुरानी है। बीमारी को ठीक करने के लिए जैसे डॉक्टर इलाज करता है समय मिलना चाहिए, डॉक्टर के हिसाब से हमें भी समय मिलना चाहिए। बाकी मैं प्रशासन के साथ हूँ, प्रशासन की बात दुरुस्त है, समाज के अंदर हमने चलना है। अगर गाड़ी चलेगी सड़क के ऊपर नंबर नहीं होगा तो ये भी हमारे लिए एक गलत संदेश है। वो मैं प्रशासनिक अधिकारियों से दोबारा मिलूंगा, समय बढ़वाने की अपील करूंगा, क्योंकि ये काम लंबा है, एक स्टैंड का काम नहीं है। इनको एजुकेट करना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोग नहीं है, समझाना पड़ेगा, इनके साथ जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तब जाकर हम कामयाब हो सकते हैं। इम्प्लीमेंट तब होगा जब हम मन के साथ हर गली कूचे में हर स्टैंड में इनको जाके मिलेंगे करेंगे। आदेश आ गया, आदेश इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट होना आप भी समझदार हैं, मुश्किल है। ये मेरी सोच है, हर ऑटो रिक्शा ई रिक्शा अदर्स जो भी गाड़ी है उनके आगे पीछे नंबर होना जरूरी है, ये प्रशासन की तरफ से मैं साथ खड़ा हूँ। सड़कों पर चल रही रिक्शा से परेशान लोगों का कहना है कि छोटे छोटे बच्चे बाजारों में ई रिक्शा को लेकर घूम रहे हैं और जब दिल करता है तो बीच बाजार में ही रोक देते हैं। सरकार को इस पर कोई काम जरूर करना चाहिए। अम्बाला शहर का निवासी, शहर के जाम के हालात को देखते हुए
ये ई रिक्शा वाले जितने भी शहर में चल रहे हैं ये बिना लाइसेंस के बिना किसी सिक्योरिटी के चल रहे हैं, इनका कोई अता पता नहीं है, कौन कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया है, कोई डायग्नेशन नहीं है इनकी। मेरी प्रशासन से यह अनुरोध है कि इनको चेक किया जाए, इनके द्वारा कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है उसके बारे में शहर के लोग उनके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे कि प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। मैं बार बार यही कहता हूँ, आज अंबाला शहर के अंदर कम से कम 3,000 से ऊपर ई रिक्शा हो गई है, जिसकी वजह से हर गली हर मोहल्ले हर चौक में जाम की व्यवस्था बन जाती है। प्रशासन चौकी इंचार्ज या प्रशासन क्या करेगा वहाँ पे, जब ई रिक्शा वाला आता है वो कहता है मैं गरीब आदमी हूँ, जहाँ देखता है इनके पीछे हेडलाइट नहीं लाइट नहीं, जहाँ देखो सवारी देखते हैं ब्रेक मार लेता है, पीछे से जो आ रहा होता है वो ठग आके मिसकैपिंग कर देता है, उसको चोट लग जाती है, ई रिक्शा का कुछ नहीं जाता क्योंकि इनके किराए के रिक्शे हैं। तो मेरे प्रशासन से ये अनुरोध है और एडमिनिस्ट्रेशन से ये अनुरोध है कि ये व्यवस्था की जाए और इनको चेक किया जाए, इनके लाइसेंस वगैरह जो हैं वो बनवाए जाएँ, जो टीनेजर उम्र के बच्चे हैं उनको रिग्लेक्ट किया जाए हटाया जाए, ताकि उनकी पढ़ने की उम्र है ना कि उनकी ये उम्र है, उनके माँ बाप उनको ई रिक्शा चलाने के लिए भेज देते हैं कमा के लाए, आप कमाओ, बच्चे की पढ़ने की उम्र है उसको पढ़ाई कराओ ताकि देश का भविष्य उज्ज्वल हो। उससे ये है कि ऑटो रिक्शा इतनी हो गई है शहर में जिससे कि हर एक बाज़ार में जाम है, ना कि कपड़ा मार्केट, कहीं भी चले जाओ छोटी उम्र के लड़के हैं छोटे हैं तो वो जो है ना उनके पास कोई लाइसेंस है ना चलाना आता है, किसी के बजुए मार जाते हैं किसी के, कुछ भी करना नहीं आता इनको, इसलिए इन छोटे बच्चों को ये सारे जो बंदे हैं बिहार से आए हुए हैं, यहाँ का कोई नहीं है ये, और इनके पहली बात तो ये है कि ऑटो चलाने का तरीका ही नहीं है इनको, कैसे चलनी है कैसे नहीं, कई मेरे सामने यहाँ 3 बार यहाँ पर पलटा है कपड़ा मार्केट में जो लेडीज़ गिरी हैं, हैं एक रेडी वाले के बीच में मारा है उसको भी 2,000 रुपये दे के फैसला करवाया मैंने उसका, शराबें पी के चलाते हैं रात को ये, इसलिए जो है इन पे कंट्रोल दिया जाए, इनका लाइसेंस देखा जाए और इनके जो किराए पर लेते हैं जो इनके मालिक हैं उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए पीछे लिखा हुआ।